मेरी लाइफ स्टोरी आम से घास बनने की मेरी स्टोरी ये यहाँ पे जैसे उलट पुलट हो गया मैं वैसे बोल रहा हूँ मैम सही खड़े आप सही खड़े ये मेरी पिक्चर दिख रही है ये मेरे दोनों बच्चे हैं सबको मेरे नाम नहीं पता है जो बेस्ट है कि मैं सिंगल हूँ और आज से 15 साल पहले मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए थे तो दोनों बच्चे छोटे थे 3 साल का था 5 साल और एजुकेशन भी नहीं थी तो उस टाइम मेरे हस्बैंड खेती करते थे तो मैं भी फिर खेतों में काम करने लग गई थी साथ में तो शादी मेरी बहुत छोटे में हो गई थी गांव में मम्मी पापा के साथ रही और गांव में ही शादी हुई उसके बाद मैंने 6-7 साल और खेती बाड़ी करी थोड़ी मैं तो सब आता है खेती बाड़ी तो उस मैं थोड़ा बीमार ज्यादा रहने लगी फिर भाई मेरे को लेके आ गए मैंने सिलाई स्टार्ट की थोड़ी उस टाइम पे 35 रुपए पीस में मैं सिलाई करती थी पूरा दिन मैं सोचती थी कि ज्यादा से ज्यादा पीस निकालू फिर मेरे को सर्वाइकल इतना ज्यादा हो गया कि फिर मैं मतलब सिलाई छोड़ना पड़ा बैठ नहीं पा रही थी ज्यादा खड़े नहीं हो पा रही थी और ज्यादातर बीपी वगैरह होता था मेरे को दौरे पड़ जाते थे तो उठा के ले जाना पड़ता था उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत स्टॉल वगैरह लगाती थी जैसे कोई त्योहार आ गया है या फिर एक छोटी सी शॉप भी की फिर उनमें भी कुछ नहीं हुआ मेरे बच्चे कंप्यूटर चलाते थे भाई का उसमें उन्होंने ना मेरे नाम से ऐसे फेसबुक चला रखी थी उसमें ये डोरेमोन वगैरह क्या क्या डालते थे पता नहीं तो वहीं से मेरे को मेरी अपलाइन का नंबर मिला मेरी बात हुई तो उस टाइम मेरे पास एंड्रॉइड फोन नहीं था एक वो नोकिया 1100 था ना वो था मेरे पास फिर वो मेरी मैम ने बोला कि मेरे एंड्रॉइड फोन चाहिए था भैया को बोला तो इसको एक बार तो मना कर दिया कि क्या करेगी वैसी तबियत खराब है ज्यादा फोन मेरे से फिर मैं ला दो मेरे को फोन मैंने लाई लेकिन मेरे को उसमें ना व्हाट्सएप था ना फेसबुक था कुछ नहीं चलाना था मैम दिल्ली से थी तो मैं वीक में एक दो बार चली जाती थी उनसे पूछने के लिए फिर भी 6-7 महीने तो मेरे को ना तो ज्वाइनिंग करना आ रहा था ना मेरे को ऑर्डर डालना आ रहा था उसे थोड़ा थोड़ा पोस्टिंग करती थी तो बात करते टाइम भी घबराहट हो रही थी और सबसे बड़ी बात मैं घर से कभी निकली नहीं थी ससुराल से भाई लेके आते यहाँ से हस्बैंड लेके जाते थे तो बाहर जाना भी बड़ा मुश्किल था और सबसे बड़ी बात बजट की कि मेरे पास पैसे नहीं होते थे कि ऑर्डर मैं डालूं कैसे जब मैंने ज्वाइन किया तो और मैंने हर महीने 100 बीपी करके दिए मेरी मैम को कभी मना नहीं किया मतलब जो वो बोलती थी मैंने उसको ये नहीं बोला कि मैं नहीं कर पाऊंगी सोचती थी कोशिश करती हूँ फिर फोन चलाना सीखते सीखते मेरे को 1-1.5 साल हो गया मतलब कुछ हो नहीं रहा पूरा 1.5 साल कुछ नहीं हुआ थोड़ी बहुत टीम बनी लेकिन वो भी घर वालों भी रिश्तेदारों को जोड़ा जैसे तो कुछ दिन काम किया फिर जीरो पे अब मेरे को तो धुन चढ़ गई कि मैं क्वालिफाई करना है उस टाइम गोवा क्वालिफाई करना था और मैं लाइफ में कहीं घूमने नहीं गई थी फ्लाइट में नहीं बैठी थी तो बस मेरे को यही लग रहा था कि मेरे को गोवा जाना है याद रखती है ना तो ऑनलाइन बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज होती हूँ मैं थोड़ा ध्यान रखना उस टाइम मैं जैसे मैं प्रियंका भाटिया थी सपना जो दोनों के पास में काम सीखती थी द्वारका जाती और बसों में इतना धक्के खा लेते थे उस टाइम तो और एक जैन से मैं बात नहीं कर पाती मैं पहले जतिन सर जिनसे मैं पहले बात करने लगती जैन मतलब अपने भाइयों से या ससुराल में हस्बैंड से बात हुई तो ये भी मुश्किल था कि मेरे को फेसबुक से लोग मिलते थे तो उनसे भी डर लगता था लेकिन आज के टाइम तो मैं उनकी क्लास लगा सही बात है सबसे बड़ी बात हमारे लोग बोलते हैं कि हमारे हम टाइम नहीं दे पाते हैं या फिर मेरे पास जैसे फेसबुक से भी आते हैं तो टीम काफी बड़ी हो गई है तो टीम में भी पूछते हैं मैम हम लोग कन्विंस नहीं हो रहे हैं हम लोग ऑर्डर नहीं डाल रहे हैं तो आप लोग ये देखिए कि आप कितना टाइम दे रहे हो उनको मेरा रूटीन मैं कई बार वेबिनार में बताती हूँ कि मेरा सुबह है आजकल बच्चे कॉलेज जाने लगे तो लेट उठती थोड़ा तो उस टाइम मैं सुबह उठते ही मेरा फोन मेरे हाथ में आता सबसे पहले चेक करके उसके बाद मैं आगे का काम बनाती हूँ कि चलो चाय पानी ले लूं जो भी है उसके मेरा पूरा दिन का रूटीन है कि मैं कम से कम 14-15 घंटे काम करती हूँ ज्यादा भी हो जाए रात को 1 बजे के बगैर बिल्कुल नींद नहीं आती और सुबह ये 8-9 बजे में उठ जाती हूँ चलो मेरे बच्चे अभी बड़े हो गए हैं
लेकिन छोटे बच्चे हैं जिसके तो जल्दी उठते हैं, वो उनका काम 10 बजे में काम खत्म हो जाता है। तो पूरा दिन आप लोग क्या करते हैं, मैं सब लोगों को बोलती हूँ कि दिन में आप बच्चों के साथ जो जो काम कर रहे हो उसमें एडजस्ट करो, जितना आप काम को टाइम दोगे काम आपको टाइम देगा। जैसे मैंने कई बार बताया मैंने ना, संगीता अग्रवाल एक नंबर वन लीडर है, उनकी बात सुनी थी, आज तक मेरे को ये याद है उनकी टेस्टिमनी थी कि काम को अगर आप यहाँ पे रखते हो तो काम आपको यहाँ पे दिया जाएगा। सही। और आज मेरे साथ हुआ नहीं, पहला मेरा सरप्राइज था हैदराबाद में, मुझे 4 टाइटल मिले थे और वो सरप्राइज तो है ना, मैं ऐसे पागलों में भाग दी थी, सब लोग बोल रहे क्या होगी। हाँ मैंने 1 साल में 4 टाइटल किए। आपने ज्वाइन कब किया था मैम? मेरे को 2.5 साल हो गए। सिर्फ 2.5 साल हो गए? यस। सब समझ में आ रहा है आपको? देखो उसमें से 1.5 साल तो स्ट्रगल की, 1.5 साल स्ट्रगल में चला गया, जो पहला उन्होंने बताया। मैंने कभी उस प्रोस्पेक्ट को इतने ऊपर से लिया ही नहीं कि मैं बाहर ऑनलाइन कर रही हूँ। द बेस्ट थिंग मैम, गाइडलाइन जो मिली ना सबसे सही मिली। इसके पहले ओरिफ्लेम के बारे में बहुत जानती थी, 99 से जानती हूँ, बट जो टीम मिली बहुत सही मिली। सेलिंग पे फोकस, देखो अगर हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं बाहर से, ऑर्डर मिल रहे हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर हम सेलिंग पे फोकस कर रहे हैं तो फिर हम अपने लीडरशिप पे नहीं कर। और मैम पता ही नहीं था ना, सिर्फ सेलिंग ही पता था ओरिफ्लेम का, आप लोगों ने बताया कि कुछ और भी होता है, क्योंकि मैं मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं होते थे कि मैं 10 रुपए का भी ऑर्डर डालू, तो मैं घर में से अपना ऑर्डर बना। मैं एक्चुअली 2006 में मेंबर बनी थी और प्रोडक्ट्स लिए भी थे मैंने,
बट आगे उसको कैसे प्रोसीड करना है बस कुछ नहीं पता होता है, नहीं था गाइडलाइन ही नहीं थी। मैं शायद एक साल तक मेंबर थी, उसके बाद मैंने मतलब वो मेंबरशिप मेरी डीएक्टिवेट हो गई होगी, अब तक तो मालूम नहीं था। 2006 की बात है, ऑलमोस्ट 13 ईयर्स बैक। अभी जब लास्ट ईयर मैंने ज्वाइन किया तो मैंने उसको बोला ना क्योंकि मेरे साथ करो तो इनका अपना खुद का अच्छा ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस है और बहुत अच्छा चलता है, काफी सोना। हाँ जी, आप अपना ऑर्डर डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको क्या पता क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि मेरी डायरेक्ट लाइन है या मेरी डेप्थ है या मेरी लीडर की लीडर है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे आई हूँ तो इसलिए आई हूँ कि आप लोगों को ग्रो करा सकूँ, आप लोगों को समझा सकूँ कि हम अगर सोचते हैं तो हम उसको कर सकते हैं। और एक चीज हम अगर शिद्दत से चाहते हैं कि हमें अपने लिए या अपने बच्चों के लिए किसी के लिए भी सोच रखा कि मुझे लाइफ चेंज करनी है, जैसे आज के टाइम पे मैं टैग नहीं देखती, जहाँ जाती हूँ सर्व कर लेती हूँ। लेकिन एक टाइम जाता था कि मेरे बच्चों को मैंने सुई धागे से भी कपड़े सिल के पहनाए हैं और जो जूते स्कूल के हैं वो मतलब उनको कई बार ठीक करा करा के उनको पहनाए हैं, क्योंकि ये सोचती थी कि भैया का ज्यादा बजट दोनों तरफ का है तो परेशान हो जाएंगे। हालांकि उन्होंने मेरे को कभी कहा नहीं कि भाई तुम्हारे लिए मैं परेशान हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं लगता था। तो आज के टाइम पे मैं मेरे बच्चों की हर जरूरत पूरा कर रही हूँ। मतलब कई बार ही होता है कि मम्मी मेरे को ये चाहिए तो मेरे को मना करने का मन ही नहीं होता, क्योंकि मेरे साथ साथ उन्होंने भी बहुत मुश्किल टाइम बिताया। तो आप लोगों को ये है कि अपने घर से ठीक ठाक हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कि लेकिन एक अपनी आइडेंटिटी होनी जरूरी है और आइडेंटिटी इतनी आसानी से क्रिएट नहीं होती, सबसे बड़ी बात है ये। अब मैं वुमेन एम्पावरमेंट का अवार्ड लेके आई स्मृति राम के वहां से, तो ये वाली चीजें मेरे को भी नहीं पता था कि ये यहाँ पे भी आ सकती है। और इवन सिर्फ लोगों ने बना रखा कि सेल करना है और बस मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे ओरिफ्लेम नहीं पता था, बस मैंने इसलिए ज्वाइन किया कि मैंने लोगों में सुना था हल्का फुल्का और मैंने प्रोडक्ट ये सुना था। लेकिन मैंने फिर सोचा कि चलो 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, 20 रुपए मुझे भी बचेंगे, इस चक्कर में मैंने ज्वाइन किया था। लेकिन ऑर्डर का फिर कहाँ घूमती, मेरी परमिशन नहीं थी घर से बाहर निकलने, बस अपने घर में जो करना है। तो मेरी फैमिली बड़ी है, चाची है, थोड़ी सी ऑर्डर बना लेती थी, बिल के साथ दे देती थी कि मेरे को एक्टिविटी गिफ्ट भी बहुत ज्यादा था, कई बार तो वो भी देती, बस मेरे को आईडी अपनी ओपन रखती है। तो सेलिंग पे ना फोकस करके अपना सेल्फ यूज बिजनेस करो और आगे कराओ और लोगों से जुड़ो, उनकी प्रॉब्लम सुनो। आप अपनी प्रॉब्लम अपनी बातें उनको मत बताओ, आप उनकी सुनो कि वो क्या चाहते हैं। अगर हम ये सोच के चलते ना कि सीखा जी को क्या प्रॉब्लम है, वो नहीं सुनी हमने, बोली अपनी बता दी कि आप टाइटल क्यों नहीं कर रहे हो आप ये, तो हमें प्रॉब्लम सुननी बहुत ज्यादा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। मैम एक चीज बताया कि सरप्राइज ये था, फिर फास्टिंग रंग लीडर का ये भी नहीं सोचा था कि मैं इनमें भी आ सकती हूँ, नंबर 3 पे आई मैं। उसके बाद मैं फॉरेन ट्रिप गई, वहाँ पे मेरी टेस्टिमनी थी और वहाँ से जो मतलब मेरे को देखने को मिला कि मैं खुद भी सरप्राइज थी कि वहाँ पे मैं टॉप 2 पे पहुंच गई। मैंने क्या किया, अपने लोगों के साथ काम किया, उनसे जुड़ी और मेहनत की और उनको समझाया। कभी लोगों का मतलब अगर वो परेशान है तो एक दो लीडर है मेरे, अभी एक ऐसे निकलने वाली दिल्ली से, मैं उससे मिलने गई तो सर उसके एक छोटी सी शॉप थी और एक सिलाई मशीन था और बोले कि मैं 3 महीने से बच्चों की फीस नहीं भर रही है लेकिन काम करना चाहती हूँ। वो मेरे को वैसे किसी ने बताया था और बोली फेसबुक तो नहीं चलाती, तो मैंने बोला कि मैं आपकी आईडी मैं एक्टिवेट कर देती हूँ, 1-2 महीने जब तक काम शुरू करो। उसको पूरा मैंने 2-3 बार मैं जाके सिखा के आई हूँ और इस महीने वो सीनियर मैनेजर बन जाए। प्रॉब्लम समझ के ये आपका अगर ठीक ठाक है तो आप लोगों को बोल सकते हो कि हम आपकी हेल्प करेंगे। और कैश अवार्ड की बात करें तो कैश अवार्ड मैं अभी 50 का ले चुकी हूँ, 75 का मार्च में ज्यादा भी लेने जा रही हूँ। और अब मेरी मंथली इनकम मेरा अपना ड्रीम है कि मेरे बच्चों के लिए मुझे घर लेना, अभी घर नहीं है मेरे पास और मुझे अभी बच्चों के लिए घर लेना, तो वो बहुत जल्द मैं आप लोगों को इनवाइट भी करूंगी उसके लिए। गाड़ी कभी भी ले सकती हूँ लेकिन अभी मेरा ड्रीम है कि मैं पहले अपने बच्चों का घर लूंगी उसके बाद मैं कुछ करूंगी। और अभी मेरा बेटा भी आईटी कॉलेज में पढ़ रहा है
पिछले साल की बात है कि मैंने किसी मेरी कम इनकम थी, इतना तो नहीं कि 50-60 हजार हो चुकी थी, लेकिन मैंने किसी से पैसे लेके तब उसकी फीस भरी थी। इस साल अभी मैंने उसने बोला मम्मी फीस भरनी है, तो ऐसे चेक काट के दिया, तो मेरे को खुद में भी प्राउड फील हो रहा था। हमारे पास पैसा था हम काम नहीं करें, अपनी एक आइडेंटिटी जरूर क्रिएट करें।